हेलो गाइस, मैं हूँ तारिक। बहुत दिनों बाद वापस आया हूँ असद अली फारूकी के पेज पे, और आज मैं आपको पापा के पुराने दोस्त और उनको हरदोई में ठाकुर साहब के नाम से जाना जाता है, ये बैठे हैं ठाकुर साहब और ये हमारे पापा बैठे हैं। लगभग 25 से 30 साल हो गए हैं ठाकुर साहब को कबूतर पाले हुए, और इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये खूब एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक होते हैं कि ये खड़े हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, लाल हो गए हैं, बेदाग हो गए हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट करा जाए, और उस एक्सपेरिमेंट में ही पापा का कहना है कि एक्सपेरिमेंट जब तक कबूतरों में नहीं करेंगे, नस्लें आगे या उड़ान ख़ास तौर से नहीं हो पाएंगी। ठाकुर साहब को उड़ान का बहुत शौक़ है, हरदोई के रहने वाले हैं। कभी आइए तो उनके घर पर, उनके यहाँ कबूतर ज़रूर देखिए। तो ठाकुर साहब से पूछते हैं, ठाकुर साहब अभी आपने कौन से नए कबूतर, नई नस्लें बनाई हैं अलग अलग? नई नस्लें सब्ज़े बनी हैं। सब्ज़ बनी है, हाँ। और एक काली का नाम कंचुच्चा से। अच्छा, कंचुच्चा से मिला है आपको, हाँ। और अभी आपने काकनी एक, अभी बता रहे थे आप खुली मादा आपने एक बना दी है बिल्कुल। हाँ, एक खुली मादा बनी है। तो वो कैसे बनाई आपने? वो का नाम एक काकनी से कासनी और हरी मादा मिला, उसके अंदर लगा, हाँ। और एक मटिया रंग की मादा फंस गई, मतलब हरी। अच्छा, उससे बने हरी बड़ी अच्छी बन जाती है। तो खुले रंग की मादा बनाई है, और बहुत जल्दी आपको वो मादा भी दिखाएंगे। अब एक कबूतर आपको हम दिखाते हैं, ठाकुर साहब के यहाँ से आया है हमारे यहाँ। तो बताते हैं ठाकुर साहब कि ये दिन दिन भर उड़ा है, और वो नस्ल बनाई है कुछ। ठाकुर साहब, वो कासनी जो बच्चा भी आपने दिया है, वो कैसे आपने बनाया है? कासनी वाला सब जो वाला, वो सब्ज वाला ना पापा? सब्ज वाला पर बांधे हैं वो सब्ज वाला, जो दो कासनी वो चितली मादा उस सफ़ेद कबूतर कलचुच्चा से बनी, तो हमने दोनों को अलग अलग कासनी नरों से लगा दी। अच्छा, और फिर कासनी नरों से जिससे वो मादा निकली, वो मादा जिससे नर निकला उससे, तो उसका एक में मिला दिया। दो क्रॉस किए, सोच के देखिए कि दो जोड़े ऐसे बनाए, फिर उनके बच्चे निकले, उस बच्चों से कासनी को मिलाया। लंबा खेल है, उसमें आदमी बोर हो जाता है कि कौन तिलिंजाम करे, तो रोकिंग ठाकुर साहब ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट में कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं कि दिन दिन भर उड़ते हैं। ठाकुर साहब उड़ाने के बहुत शौकीन हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो अभी हमने बंजारे वाले भी बनाए हैं कुछ, ये आज आपको हम शौक कराते हैं। बंजारे वाला है कंचुच्चा, जिसको हम लोग कहते हैं काली चोंच काले नाखून। तो कुछ ये कबूतर बनाए हमने नए, ये बेदाग है, एक बेदाग जोड़ा अंदर बंद है, एक ये बेदाग है, आप देखिए, आप ये बेदाग है कबूतर नर है। तो हरे तो आपको हम पहले दिखा चुके थे, आज बेदाग और बंजारे वाले अभी हम आपको दिखाएंगे। मिलवाना मकसद था कि हमारे यहाँ एक ठाकुर साहब आते हैं, 30 साल से लगभग कबूतर पालने का शौक़ है। एक जोड़ा ये बेदाग का है, ये बेदाग है, ठीक है, ये नर है, मादा है, और अंदर नर बैठा हुआ है। ये मको आग के हैं, और ये चांदी वाला है। तो कुछ जोड़े नए बनाए हैं, ये नई ढाबी बनवाई हमने। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मिलवाना ज़रूर था ठाकुर साहब। हाँ, ये ठाकुर साहब का कबूतर हमें दे गए हैं, जो दिन भर उड़ता है, और कासनी और इसको मिक्स करके कुछ बनाया है, दिन भर उड़ता है बच्चा। अगर ठाकुर साहब से मिलना है तो ज़रूर हमें आप शेयर करिएगा, हम उनका नंबर आपको ज़रूर बताएंगे, और मिलिए ज़रूर। हरदोई के रहने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, पुराने जानकार हैं। और ये कबूतर खाना हमारा आप पहले भी देख चुके हैं। तो आज जो वीडियो ख़ास था, वो एक शख्स से मिलवाना था आपको, जिनका नाम ठाकुर साहब हम लोग कहते हैं, सीनियर हैं, पुराने जानकार हैं। इतना ही था, अगली बार मैं आपको बंजारे वाले दिखाऊंगा। ये बंजारे वाला जैसे बैठा हुआ है, इसका शौक कराऊंगा आपको। थैंक यू।